मोबाइल फोन में विस्फोट से युवक का हाथ और कान झुलसे। चार्ज हो रही मोबाइल पर बात कर रहा था युवक अस्पताल में भर्ती। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिन्नौती गांव में बुधवार की सुबह मोबाइल फोन चार्जिंग में लगाकर बात कर रहा एक युवक हादसे का शिकार हो गया। अचानक वोल्टेज बढ़ाने से मोबाइल फोन में हुए विस्फोट से युवक का हाथ और कान बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों द्वारा युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भरत पुत्र धनीराम बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी चिन्नौती थाना मायापुर ने बताया कि वह सुबह मोबाइल फोन चार्जिंग में लगाकर बात कर रहा था। इसी दौरान वोल्टेज बढ़ने से मोबाइल फोन में विस्फोट हो गया जिससे उसके कान और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। क्या नाम है तुम्हारा? भरत बघेल। कहाँ रहते हो? चिन्नौती। कहाँ पे? चिन्नौती। कहाँ पड़ता है? तहसील में। तहसील पिछोर। क्या हुआ तुमको? कैसे क्या हुआ? लाइट से करंट लग। कैसे? मालूम नहीं, मोबाइल में फोन आया तो मतलब बात कर रहा था तो एकदम से लाइट फाल कर गई। अच्छा, तो एकदम बड़े गया था। तो सीएबल वगैरह सबको गई थी क्या? और मोबाइल मोबाइल ख़राब हो गया था। अरे बेटी की सुनाई करना फिर। मोबाइल तो पूरे गांव में ही ऐसा हुआ है क्या? गांव में हुआ होगा पता नहीं, पूरी डीपी में लगी थी आपकी। अच्छा, उसमें आपको करंट लग गया होगा। तो मोबाइल पर बात कर रहे थे क्या, चार्ज कर रहे थे? मालूम नहीं मेरे को, मम्मी बोलेंगे बात कर रहा है। मेरे ऊपर ध्यान नहीं है उसमें, तो ऐसे हो गया है।